नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल का माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है PCSJ को लेकर के। आप सभी जान रहे हैं PCSJ के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और 6 तारीख लास्ट डेट है, और एक महत्वपूर्ण नोटिस कल लोक सेवा आयोग ने जारी करके परीक्षा की जो डेट है वो कंफर्म कर दी है। 12 फरवरी की जो प्री की परीक्षा है वो कराई जाएगी। आज के समाचार पत्रों में भी इसको दिया गया है। UPSC 12 फरवरी को कराएगा PCSJ 2022 की प्रारंभिक परीक्षा। प्री में 1 पद के मुकाबले 10 और मुख्य परीक्षा में 3 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। 303 पदों पर भर्ती के लिए चल रहे आवेदन की प्रक्रिया 6 तारीख तक चलेगी। कुल मिलाकर के 6 तारीख 6 जनवरी लास्ट डेट है। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें 150 क्वेश्चन आने हैं और व्यवस्थित वही अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे जो कि पहले से तैयारी रखे होंगे, और जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मेहनत बढ़ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। वहीं RRB Level 1 का परिणाम जारी। अब होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। 13,202 अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षा के लिए सफल। 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक हुई थी परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के Level 1 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके लिए इतने अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। वहीं APO 2022 मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सहायक अभियोजना अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 को की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थियों को 9 और 10 जनवरी को प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर यह मुख्य परीक्षा जो है वह आयोजित की जाएगी। तो जो APO के अभ्यर्थी हैं मेंस में तैयार रहे हैं, उनकी अच्छी पकड़ होनी सब्जेक्ट पे ज़रूरी है और परीक्षा तय समय पर करा ली जाएगी। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित भी सूचना आज के समाचार पत्रों में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वदलीय बैठक में छात्र नेताओं ने हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। आरोपियों को गिरफ्तार करो नहीं तो आंदोलन, इस बात के साथ काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित रहे, छात्र नेता आदि थे और अपनी बात रखे ज़्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। हजारों अभ्यर्थी अब तक नामजद और उस तरह से केस झेल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार पढ़ाई के मामले में सही दिशा में नहीं जा रही है और ज़्यादातर इस तरह की समस्याएं पैदा हो जा रही हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों का पूर्ण रूप से नुकसान हो रहा है और पढ़ाई से अभ्यर्थी टोटली हट जा रहे हैं। अब इस तरह की घटना हो जाने के बाद पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आगे परीक्षा सामने दिखाई दे रही है। वहीं सही जवाब देने वाला दबोचा गया। आगरा के यस इन्फोटेक ऑनलाइन सेंटर पर डिवाइस से की थी नकल। परीक्षा में निश्चयन होने पर आया नाम भर्ती बोर्ड के SSP ने। हुसैनगंज पुलिस ने दरोगा भर्ती 2021-22 की परीक्षा में ऑनलाइन फर्जीवाड़े के तहत एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जिसने बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का 150 प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। तो अभ्यर्थी की धरपकड़ अभी भी जारी है SI में, और जो कि स्पष्ट कर रही है कि बड़े पैमाने पे भी इसमें धांधली देखी गई थी। इसी वजह से भर्ती परीक्षा के विरोध में काफ़ी अभ्यर्थी उतरे भी थे कि इसको रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जाए, किंतु ऐसा नहीं किया गया। अब अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के में जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनको के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं NTPC Level 1 परीक्षा में 13,202 हुए सफल। रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा है उसका परिणाम जारी हुआ है और उसमें फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं आप देख लीजिए कटाव भी जारी किया गया है। अनारक्षित के लिए 66.48, SC के लिए 52, ST के लिए 35, OBC के लिए 59, EWSL के लिए 48, ये जो है कट ऑफ गया है। 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन और बड़े पैमाने पर आवेदन के बाद यह परीक्षा हुई थी। तो इस तरह से ग्रुप डी NTPC आदि का भी रिजल्ट आ गया। राशन प्रणाली में भी
इस बार कुछ बदलाव कर रहे हैं। राशन प्रणाली में सबको मुफ्त अनाज, सरकार का बड़ा निर्णय, एक साल के लिए बढ़ी अनाज योजना, OROP का दायरा बढ़ा। तो मोदी सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि एक साल तक जो राशन व्यवस्था चल रही थी फ्री राशन, वो सभी को अनिवार्य रूप से मिलेगा और राशन व्यवस्था एक साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि सामने चुनाव भी है, लोग इस पे भी कहेंगे कि चुनाव का ही मैटर है, चाहे जो कहें, रोज़गार की ज़रूरत है, अभ्यर्थियों को रोज़गार पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन सारी बातों से बहुत कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अभ्यर्थियों पे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो यथाशीघ्र आपको मिल सके। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।